हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकोर। दोस्तों, विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली कप्तानी से हट जाएंगे। लेकिन इसी के साथ अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि विराट कोहली वनडे टीम की भी कप्तानी छोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये कहना है पूर्व भारतीय खिलाड़ी आकाश चोपड़ा का। आकाश चोपड़ा ने कहा कि विराट कोहली की कप्तानी वनडे से भी जा सकती है, और वो इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि देखा जाता है अक्सर कि T20 और वनडे का कप्तान एक ही होता है और टेस्ट का कप्तान अलग होता है, और यही फार्मूला कामयाब रहता है। लेकिन आकाश चोपड़ा ने यह कहा कि अगर टेस्ट का कप्तान और वनडे का कप्तान एक होगा और T20 का कप्तान अलग होता है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। और इसी को देखते हुए आकाश चोपड़ा का कहना है कि वनडे और T20 का कप्तान एक होना चाहिए, और अगर T20 का कप्तान रोहित शर्मा को बनाया जाता है तो वनडे का कप्तान भी रोहित शर्मा को बनाना चाहिए, जबकि टेस्ट का कप्तान अलग होना चाहिए। इस बात का हवाला देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया के क्रिकेट में ऐसा ही होता आया है कि वनडे और T20 का कप्तान एक होता है और टेस्ट का कप्तान अलग होता है, यही फॉर्मूला चलता आ रहा है और यही फॉर्मूला काम भी करेगा। और इसी को देखते हुए उन्होंने कहा है कि वनडे से विराट कोहली आने वाले वक्त में कप्तानी शायद छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका रीजन यही होगा। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि वनडे और T20 एक ही जैसा गेम है लगभग, इस लिहाज से उनका कप्तान एक होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2023 में वनडे वर्ल्ड कप भी होगा जो कि भारत में होना है, और उस लिहाज से देखा जाए तो जो T20 का कप्तान है उसी को वनडे का कप्तान बनाना चाहिए, ताकि वो उसी दिशा में टीम को आगे बढ़ा सके और आने वाले वक्त में जब वनडे वर्ल्ड कप होगा तो उसमें टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन करे। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में विराट कोहली क्या वनडे से भी कप्तानी छोड़ सकते हैं या वनडे के कप्तान बरकरार रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। वहीं बात करते हैं दूसरी खबर की। दोस्तों, आईपीएल के सेकंड हाफ की शुरुआत आज से हो रही है। 140 दिन बाद सेकंड हाफ आईपीएल का शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि 4 मई को कोरोना की वजह से आईपीएल का पहला हाफ पोस्टपोन कर दिया गया था, जो अब जाके यूएई में शुरू हो रहा है। और आईपीएल के सेकंड हाफ की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने जा रही है। वहीं आईपीएल के पहले हाफ तक अगर बात करें, पॉइंट टेबल पर नजर डालें तो दिल्ली सबसे टॉप पर है, उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स है, और उसके बाद बैंगलोर का नंबर है तीसरे नंबर पर। वहीं मुंबई इंडियंस चौथे नंबर पर है। लेकिन आज चेन्नई और मुंबई के बीच पहला मुकाबला होने जा रहा है, और अगर चेन्नई जीतती है तो चेन्नई दिल्ली से ऊपर आ सकती है, क्योंकि दिल्ली के अभी पॉइंट 12 हैं और चेन्नई के 10 हैं। लेकिन अगर चेन्नई इस मैच में जीत जाती है तो चेन्नई का रन रेट अच्छा है, इस वजह से चेन्नई टॉप पर आ जाएगी और दिल्ली दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। वहीं अगर इस मैच में मुंबई जीतती है तो मुंबई चौथे से तीसरे नंबर पर छलांग लगा लेगी, क्योंकि मुंबई का रन रेट बेंगलोर से ज़्यादा अच्छा है और दोनों के बराबर अंक हो जाएंगे। लेकिन मुंबई इस मैच में जीतने के साथ ही तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जो शाम के वक्त मैच होने हैं वो 7:30 बजे शुरू होंगे, और जो जिस दिन दो मैच होंगे आईपीएल के वो 3:30 बजे शुरू होंगे, जैसा पहले हुआ करते थे। सेम वही टाइम है, मैच जो है वो यूएई में होंगे, और आईपीएल का जो सेकेंड हाफ है उसका जो फाइनल मुकाबला होगा वो 15 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। आपको ये भी बता दें कि 31 मैच सेकेंड हाफ में खेले जाने हैं। आईपीएल के पहले हाफ में 29 मैच खेले गए थे, और अब जो है 31 मैच जो बाकी बचे हैं उसकी शुरुआत हो रही है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्रिकेट खेल और खिलाड़ी से जुड़ी खबरें आपको मिलती रहें।